दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए अब लगभग 90 दिन का ही समय रह गया है, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के अंदर जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों 5-5 सांसद बना करके फील गुड कर रही हैं, कांग्रेस को जहां दंभ है कि उन्होंने 5 सांसद जीत लिए, 5 कमा लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को भी गुरूर ये तो है कि उन्होंने भी अपने 5 तो बचा लिए। इस लिहाज से नजर सबकी विधानसभा चुनाव पर लगने लगी है कि आखिर विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता क्या करेगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे को लेकर हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात चलती है कि बीजेपी के अंदर परिवारवादी राजनीति को स्थान नहीं है। बीजेपी के अंदर एक बात आती है कि परिवारवादी राजनीति के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े छोटे नेता विपक्षी पार्टियों पर एक निशाना कसते हैं, तंज कसते हैं, निशाने तानते हैं कि वो घोर परिवारवादी पार्टियां हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस चुनाव के अंदर जो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी के जो 3 सांसद हैं, 5 में से 3 सांसद ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को विधानसभा चुनाव में एडजस्ट करना चाहते हैं। ये तीनों सांसद जो मोदी की लोकप्रियता तो भले ही जितनी है सो है, लेकिन इन तीनों सांसदों का अपना भी दम है। हरियाणा की राजनीति में इन तीनों सांसदों का अपना भी स्थान है। तीनों ही सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी से हैट्रिक भी बना ली है। एक सांसद तो 6 बार के सांसद हैं, लेकिन तीनों सांसदों के साथ सिमिलरिटी ये है कि 2014, 2019 और 2024 तीनों चुनाव में जहां मोदी की हैट्रिक बनी, मोदी सरकार की हैट्रिक बनी, तो इन तीनों सांसदों की हैट्रिक भी बनी। इस लिहाज से कई मायनों में अब ये बात चल पड़ी है कि क्या जो ये तीनों सांसद अपने बेटे बेटियों को एडजस्ट करने में के जुगत में हैं, के जुगाड़ में हैं, क्या बीजेपी का ये परिवारवाद वाला मसला इनके आड़े तो नहीं आएगा। आप समझ रहे होंगे मैं आपसे बात कर रहा हूं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की, मैं आपसे बात कर रहा हूं फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की, मैं आपसे बात कर रहा हूं भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह की। आपसे तीनों के बारे में बात कर लूं और बता दूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी ये तीनों नेता अपने बेटे बेटियों को एडजस्ट करने के जुगाड़ में पूरी तरह से लगे रहे थे। तीनों नेताओं की कोशिश थी कि इनके परिवार जनों को, इनके बेटे बेटियों को एडजस्ट कर लिया जाए, विधानसभा का चुनाव टिकट दे दिया जाए। और हुआ ये कि एक स्थान पर जहां कृष्णपाल गुर्जर टिकट चाहते थे अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए, वहां तो बीजेपी फिर भी जीत गई देवेंद्र चौधरी को टिकट ना मिलने से। लेकिन रेवाड़ी जहां से राव इंद्रजीत सिंह टिकट चाहते थे अपनी बेटी आरती के लिए, भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई थी। और दूसरी सीट धर्मवीर सिंह जहां टिकट चाहते थे अपने बेटे मोहित के लिए, किरण चौधरी वहां जीत गई थी और भारतीय जनता पार्टी उस तोशाम में भी हार गई थी। अब आपसे विस्तृत रूप से बता दूं तो राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा की राजनीति का बड़ा नाम है। राव इंद्रजीत सिंह से हरियाणा के अहिरवाल की राजनीति के अंदर उनका बड़ा सिक्का चलता है। हरियाणा की यादव यदुवंशी राजनीति के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का तोड़ आज भी किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। वो राव इंद्रजीत सिंह जो अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे, लेकिन उनको 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शर्तों के आगे घुटने टेकने पड़ गए थे। आप याद करें राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कि 2019 का विधानसभा चुनाव जिसमें वो अपने बेटी आरती राव के लिए रेवाड़ी का टिकट चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में वहां रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट दिया, रणधीर सिंह कापड़ीवास चुनाव जीते, इंद्रजीत सिंह का विरोध हुआ तो रणधीर सिंह कापड़ीवास का टिकट तो काटा, लेकिन टिकट फिर भी आरती राव को नहीं दिया। और परिणति ये हुई कि रेवाड़ी की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई और चिरंजीवी राव वहां से चुनाव जीत गए, कप्तान अजय सिंह यादव के बेटे। गाये बगाए कई बार ये दर्द छलका राव इंद्रजीत सिंह का। पिछले दिनों तो उन्होंने बड़ा खुल करके कहा
कि अब की बार वो आरती को चुनाव लड़वाएंगे, चाहे वो बीजेपी की टिकट मिले या ना मिले। और इस चुनाव के अंदर अब बड़ा सीधे से कहा जाने लगा है कि आरती राव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी भी शायद अब की बार अपने उस परिवारवाद के मंत्र को शायद कहीं और छोड़ दें। वैसे आपको मैं यहाँ ये जरूर बता दूँ कि राव इंदरजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए अब की बार वो पुरानी रेवाड़ी सीट पर अड़ने वाले नहीं हैं, ये राजनीतिक सूत्र बताते हैं। राजनीतिक चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि अब अहिरवाल के राजा यानी कि राव इंदरजीत सिंह को बजाय रेवाड़ी के बादशाहपुर ज़्यादा रास आती लगती है, क्योंकि आप देखें तो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम हुआ जिसमें कई झटके खाते खाते सीधे हुए थे राव इंदरजीत सिंह, यानी कि चुनाव जीते थे, लेकिन उस जीत के अंदर बादशाहपुर का सबसे बड़ा रोल था। तो माना ये जाए कि बादशाहपुर नंबर एक पर है इस समय राव इंदरजीत सिंह की नज़र में। अगर उसके बाद बात आती है तो फिर वो अपनी बेटी के लिए अटेली को भी मुफीद मानते हैं कि अटेली की विधानसभा सीट भी हो सकती है, और जो तीसरी सीट मानते हैं वो कोसली मानते हैं कि कोसली विधानसभा सीट भी हो सकती है, लेकिन नंबर वन पर बादशाहपुर है। और वो बादशाहपुर जहां पर नज़र गड़ाए हुए हैं जवाहर यादव भी, जवाहर यादव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कभी सचिव, राजनीतिक सचिव, और उनके साथ में हाउसिंग बोर्ड के और तमाम मीडिया संभालने वाले, बीजेपी के बहुत कोर लीडर माना जाता है जिनको जवाहर यादव। नज़र तो बादशाहपुर पर राव नरबीर सिंह की भी है, वो भी पूरी नज़र रखते हैं, कल तंज कस रहे थे कई प्रकार के बादशाहपुर के अंदर ही। तो ऐसे में राव इंदरजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट का जुगाड़ क्या बादशाहपुर से करा पाएंगे या किसी और सीट पर, और या फिर कहीं बीजेपी का परिवारवाद, जो गैर परिवारवाद की राजनीति है, वो आगे आएगी। अगले नेता की बात करूं तो अगले नेता है कृष्ण पाल गुर्जर। फरीदाबाद लोकसभा से तीसरी बार लगातार सांसद और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार के वजीर, 2019 के विधानसभा चुनाव में और उससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में भी कृष्ण पाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट चाहते थे विधानसभा का। देवेंद्र चौधरी के टिकट के लिए उन्होंने अपनी पैरवी भी की थी, फील्डिंग भी खूब की थी, जहाँ जहाँ सूत्र थे वहाँ समाज जमाया भी खूब था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है कि परिवार में एक ही नेता राजनीति करेगा, कृष्ण पाल गुर्जर को वहाँ चुप रहना पड़ गया था। 2014 भी और 2019 भी दोनों बार वहाँ से तिगांव विधानसभा से राजेश नागर को टिकट मिल गया था। 2014 में राजेश नागर चुनाव हार गए थे, 2019 में राजेश नागर चुनाव जीत गए। अब 2024 में एक बार फिर, क्योंकि देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट की चाह तो कृष्ण पाल गुर्जर की भी है और देवेंद्र चौधरी की भी है, और अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो देवेंद्र चौधरी लंबे समय से कृष्ण पाल गुर्जर का पॉलिटिकल जो उनका हिसाब किताब है, यानी कि राजनीति में लोगों से जो मिलना जुलना है, वो सब संभाल भी रहे हैं। फरीदाबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर भी हैं आजकल देवेंद्र चौधरी निवर्तमान, क्योंकि फिलहाल तो नगर निगम भंग है। और इसके साथ साथ इस चुनाव के अंदर यानी कि 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, देवेंद्र चौधरी ने फरीदाबाद के अंदर दो दो विधानसभा सीटों पर जमकर संघर्ष किया था, एक तिगांव और दूसरी फरीदाबाद की NIT सीट। तो 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए कृष्ण पाल गुर्जर की पैरवी कितनी सटीक और कितनी बड़ी हो सकती है, खासकर देवेंद्र चौधरी के लिए? क्या देवेंद्र चौधरी के लिए तिगांव और या फिर दूसरी विधानसभा सीट फरीदाबाद NIT, इन पर किसी के लिए कृष्ण पाल गुर्जर पैरवी करेंगे, और क्या बीजेपी आलाकमान में ये बात बन सकती है? मैं आपको यहाँ पर एक बात और साथ साथ जोड़ दूँ कि राव इंदरजीत सिंह की बेटी आरती राव जितनी सक्रिय वो अगर होंगी गुड़गांव में, तो उससे कहीं कई गुना ज़्यादा सक्रिय फरीदाबाद के अंदर देवेंद्र चौधरी हैं। अगर इंदरजीत की विरासत को आरती राव संभाल सकती हैं, तो देवेंद्र चौधरी का आप ये मान लें कि जिस प्रकार से कृष्ण पाल गुर्जर को माना जाता है कि वो सौम्य हैं, मिलनसार हैं, तो देवेंद्र चौधरी उनसे दो कदम और आगे हैं। इस लिहाज से क्या फरीदाबाद के अंदर विधानसभा जो चुनाव होगा, तिगांव विधानसभा सीट तो नंबर एक पर है, और दूसरी विधानसभा सीट मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने अपने एक दो वीडियोस में पहले भी कहा है कि क्या फरीदाबाद NIT सीट इन दोनों में से कोई देवेंद्र चौधरी के लिए कारगर और मुफीद हो सकती है, और भाजपा आलाकमान उस पर उनकी संस्तुति को मान सकता है? और तीसरे नेता हैं चौधरी धर्मवीर।
धर्मवीर के पुत्र हैं मोहित, तोशाम के अंदर सक्रिय हैं। चौधरी धर्मवीर की राजनीति का आप फलसफा ये माने कि उनके जो जिम्मे जो आई, उनके पास जो उनके हिस्से आई, वो ज़्यादातर जीत रहती है। धर्मवीर का राजनीति का स्टाइल आप कुछ ऐसा मान लें कि वो अधिकांश चुनाव जीतते हैं। 1987 में चौधरी बंसीलाल जैसे दिग्गज को विधानसभा का चुनाव हराकर राजनीति की शुरुआत करने वाले धर्मवीर भिवानी से जब बाहर निकले तो सोहना में भी जाकर विधायक बन गए, और उसके बाद में लगातार 3 बार सांसद बनना, लगातार 3री बार सांसद वो बने अब की बार। और भिवानी के गलियारों में एक चर्चा ये भी चलती है कि धर्मवीर भी अपनी बात को कहने के लिए जाने जाते हैं, तेवर धर्मवीर भी दिखा रहे हैं अपने। राव इंद्रजीत सिंह को जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया तब भी तेवर दिखाए, कहा गया कि इंद्रजीत सिंह के लिए कद बड़ा था, और जब किरण चौधरी को बीजेपी में लाया गया तब भी तेवर दिखाए। अब इन सबको देखते हुए, क्योंकि तोशाम में अगर किरण चौधरी राज्यसभा नहीं गई तो दावेदारी किरण चौधरी की भी होगी, अगर किरण चौधरी राज्यसभा में जाती हैं तो फिर वो अपनी बेटी के लिए दावेदारी कर सकती हैं। शशि परमार वहां पहले से ही हैं, ऐसे हालात में क्या तोशाम विधानसभा सीट पर मोहित की दावेदारी को भाजपा आला कमान गंभीरता से लेगा, और क्या चौधरी धर्मवीर को, क्योंकि धर्मवीर भी अब की बार केंद्र की सरकार में मंत्री बनने की दौड़ में थे, जाट समाज का नेता होने के नाते भी दौड़ में थे, लेकिन बात बनी नहीं, तो क्या वो उनको इसके बदले में उनके बेटे को एडजस्ट किया जा सकता है विधानसभा चुनाव के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों नेता जो हरियाणा की राजनीति को अपने हिसाब से तीनों लोकसभाओं में बेहतरी से प्रभावित करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इन तीनों नेताओं के जो उनके परिवारजन हैं, उनके बेटे बेटी हैं, उनको राजनीति में एडजस्ट करते हुए और इनकी बात को बल देगा? वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की जो दूसरी पीढ़ी है उसको राजनीति के मेन स्ट्रीम में ला सकती है? आपको क्या लगता है कि कृष्णपाल गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव और धर्मवीर के बेटे मोहित अब की बार विधानसभा चुनाव में चुनाव मैदान में दिख सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए अपने पुराने जो उनके उसूल सिद्धांत हैं उनको बदल देगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।